मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खड़कोद में करीब 500 वर्ष पुराना प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर आज भी अश्वत्थामा द्वारा शिवजी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर से काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित तमिलनाडु के भक्त भी यहाँ पर शिवजी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पर इस मंदिर पर मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर अश्वत्थामा आज भी शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के पुजारी महेश्वर दामोदर पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरे पिताजी दामोदर जयराम पाटिल को अश्वत्थामा ने बीमार व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे। वह पिताजी के हाथों से बना हुआ भोजन करने के बाद रात के समय अचानक ही गायब हो गए। आज भी यदि हम सुबह पूजा में लेट होते हैं तो यहाँ पर हमें पूजा करी हुई नजर आती है। हमारी इस मंदिर पर तीसरी पीढ़ी सेवा कर रही है। सबसे पहले मेरे पिताजी दामोदर जयराम पाटिल द्वारा सेवा की गई, जिसके बाद उनके पुत्र महेश दामोदर पाटिल द्वारा सेवा की गई, अब उनके पुत्र पंकज महेश्वर पाटिल द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। 6 राज्यों से इस मंदिर पर भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और क्या आस्था जुड़ी है और क्या हाँ जी, ये पौराणिक मंदिर है, ये महाभारत कालीन मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ अश्वत्थामा जी आते हैं और सुबह मॉर्निंग में वो जल वगैरह पूजा अर्चना करके जाते हैं, ऐसी मान्यता है। क्या देखने में आया कभी? ऐसा देखने में तो नहीं आया है, लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि यहाँ अश्वत्थामा दर्शन के लिए आते हैं। कौन सा मंदिर है? ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है और ये का कैसा? हम तो हमेशा रोज आते हैं, हमारा आना जाना रहता है, तो हम यहाँ पे पूजा वगैरह करने करके जाते हैं, दर्शन करके जाते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है और वास्तव में जागृत स्थान है। सच्चे दिल से जो भगवान की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, तो उसके वास्तव में मनोकामना पूर्ण होती है और जागृत स्थान है। मेरा हितेंद्र चौधरी। महाभारत कालीन मंदिर है और क्या विशेष मान्यता है, यहाँ पर कौन पूजा करने आते थे? यहाँ पहले अश्वत्थामा आशीर्गढ़ से आते थे, वो पूजा करके वो बिहार के रास्ते से निकल जाते थे। अभी भी हम कभी कभी लेट हो जाते पूजा में, था ताजा जल फूल चढ़ा हुआ मिलता है। कितना पुराना मंदिर है? यह करीबन महाभारत कालीन मंदिर है, करीबन 450 साल पुराना मंदिर है। ताप्ती पुराण में भी इसका महत्व है। ताप्ती पुराण में उल्लेख आया हुआ है, यहाँ कई मन्नतें होती है, कई की मुरादें पूरी होती है, जो भी मन्नत मानता है उसकी मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ पे दाल बाटी का कार्यक्रम रखते हैं, मन्नत देते हैं। और क्या विशेषता है, यहाँ से कहाँ जाने का रास्ता है? यहाँ असीरगढ़ जाने का रास्ता है, उसको बंद कर दिया गया है। अभी आज भी देखा है कि आप कहीं पूजा में लेट जाते हो। जी जी, अश्वत्थामा आते हैं और ताजा जल चढ़ा के फूल चढ़ा के चले जाते हैं। आज भी होता है? आज भी होता है ऐसा। आप कितने पीढ़ी से यहाँ सेवा? मेरी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे। पहली पीढ़ी मेरे दामोदर जयराम पाटिल पुजारी जी मेरे पिताजी थे, अभी मैं महेश्वर दामोदर पाटिल मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद मेरे पुत्र पंकज महेश्वर पाटिल यहाँ पूजा करते हैं। कहाँ कहाँ से? अन्य राज्य से भी भक्त आते हैं? हाँ, महाराष्ट्र से, इंदौर, उज्जैन, इधर से भी बड़े दूर दूर से भक्त लोग यहाँ आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है, यहाँ मंदिर पे आते रहते हैं। कौन सा मंदिर है? यह गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर खड़कोद। क्या नाम आपका? महेश्वर दामोदर पाटिल।